मैं हूं क्राइम मदारी। गुरुग्राम में सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन की दिन दहाड़े हत्या। सदर बाजार के समीप रेमेंट शोरूम में घुसकर बरसाई चेयरमैन पर ताबड़तोड़ गोलियां। रिठोज गांव के रहने वाले सुखबीर खटाना और सुक्की ने अस्पताल में तोड़ा दम। अब छानबीन में जुटी है अपनी पुलिस जी। साइबर सिटी का गुरुद्वारा रोड और आसपास का इलाका वीरवार को दिन दहाड़े उस समय गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब 3 से 4 हथियारबंद बदमाशों ने रेमेंड के शोरूम में घुसकर वहां कपड़े खरीद रहे सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। कई गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए सुखबीर खटाना और सुखी को तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जबकि इससे पूर्व बदमाश हर बार की तरह मौके से फरार होने में रहे कामयाब। अब अपनी पुलिस जी जुटी है छानबीन में, लेकिन अभी तक हत्या के पीछे के असल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। अब साइबर सिटी में कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इस बात का अंदाजा आज दिन दहाड़े हुए इस हत्याकांड से आसानी से लगाया जा सकता है। घटना करीब 3:15 बजे की है, जब सोहना मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन और जिला पार्षद के चुनाव की तैयारी कर रहे सुखबीर खटाना अपने साथी राजेंद्र के साथ गुरुद्वारा रोड स्थित रेमेंड के इस शोरूम पर पहुंचे थे। वैसे तो खटाना साहब ने कपड़े खरीद लिए थे और कार्ड से पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन इसी बीच उन्होंने दुकानदार से कोई और कपड़ा दिखाने के लिए कह दिया। बस इसके पल भर में ही 3 से 4 हथियारबंद बदमाश हथियार लहराते हुए घुस गए शोरूम में और बरसा दी खटाना साहब पर अंधाधुंध गोलियां। खटाना के साथ आए राजेंद्र ने बेंच का सहारा लेकर किया अपना बचाव। वही दुकानदार और सेल्समैन भी अपनी जान बचाते नजर आए और इसी दौरान बदमाश मौके से हो गए फरार। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जी और गंभीर रूप से घायल खटाना को ले जाया गया आरवी हॉस्पिटल, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में खटाना के परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर किसने और किसके इशारे पर दिया गया है इस हत्याकांड को अंजाम। पुलिस परिजनों से बयान लेकर मामला दर्ज करने की तैयारी में लगी है। वहीं शव को भेज दिया है पोस्टमार्टम हाउस। घटनास्थल पर पहुंचे डीसीपी वेस्ट दीपक सहारन ने बताया कि ये सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की पहचान करने के प्रयास कर रहे हैं। क्राइम यूनिट सहित पुलिस की विभिन्न टीम जांच में जुटी है। सहारन बोले कि जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर उन्हें कर लिया जाएगा गिरफ्तार। तो साहेबान, दिन दहाड़े गोलियों का शिकार हुए सुखबीर खटाना की हत्या किसने और क्यों की, ये तो अभी पता लगेगा, लेकिन इस घटना ने शहर में सनसनी जरूर फैला दी है। व्यापारी वर्ग दहशत में है, वही आम आदमी हैरान। अपनी पुलिस जी की सजगता पर भी सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि ये घटना दिन दहाड़े बीच बाजार हुई है। सेवा सुरक्षा का दम भरने वाली अपनी पुलिस जी की जमकर किरकिरी हो रही है। ऐसे में अपनी पुलिस जी को करनी होगी ज्यादा मेहनत और जल्द करना होगा इस हत्याकांड का खुलासा। अब देखना होगा कि कब तक पकड़े जाएंगे ये हत्यारे। तो करिए इंतजार और देखते रहिए क्राइम मदारी। क्राइम मदारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि अपराध की कोई खबर आपसे छूट ना पाए।